देश में कोरोना के बढ़ते मामलों से भले ही इस वक्त सब डरे हुए हैं, हालातों पर नियंत्रण पाने का प्रयास सरकार लगातार कर रही है, जिसके कारण 24 मार्च से चल रहे लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर अब 3 मई तक कर दी गई है। लेकिन बात अगर राजधानी की करें तो कोरोना के कारण नुकसान तो यहाँ भी हुआ है, पर साथ ही साथ राजधानी से फिलहाल एक दाग हट गया है और वो है दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक होने का। प्रदूषण कम करने के लिए सरकारी मशीनरी ने करोड़ों रुपए बहाए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। देश में लॉकडाउन होने के कारण यातायात के सभी साधन इन दिनों बंद हैं, साथ ही सभी कंपनियों में भी काम बंद है। ऐसे में लॉकडाउन का असर दिल्ली की आबोहवा पर बखूबी पड़ता दिख रहा है। ये बात तो जग जाहिर है कि दिल्ली की गिनती दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में होती है, लेकिन इन दिनों राजधानी साफ हवा के मामले में कई यूरोपीय देशों को टक्कर दे रही है। एयर की क्वालिटी इतनी बेहतर हो चुकी है जितनी केवल यूरोपीय देशों में ही देखने को मिलती है। ये हवा उतनी साफ है जितनी 10 साल पहले कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान देखने को मिली थी। लॉकडाउन ने दिल्ली की हवा को उतना साफ कर दिया है जितना सरकारी मशीनरी करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं कर पाई। दिल्ली में PM 2.5 फिलहाल 30 के आसपास है। 2010 में जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे तब मॉनसून का वक्त था, स्कूल कॉलेज और अन्य संस्थानों को बंद कर दिया गया था। उस वक्त PM 2.5 30 के आसपास था, PM 10 भी 50 के आसपास है, यानी सब कुछ एक्सीलेंट कैटेगरी में है। आम दिनों में पिछले कई सालों से अप्रैल में PM 2.5 300 के आसपास रहता था, जबकि PM 10 भी 100 के ऊपर। बीते महीने मार्च की बात करें तो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स तकरीबन 11 दिन 0 से 100 के बीच रहा। वहीं 2018 और 2019 में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब मार्च के महीने में एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से नीचे पहुंचा हो। लेकिन आज एक बार फिर दिल्ली की हवा खुल के सांस लेने लायक है, लेकिन लोग कोरोना के चलते घर में रहने को मजबूर हैं।